फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ी स्टाइल का मुठिया। फिर सबसे पहले इसको पानी को बॉइल करेंगे, फ्राई करके। पहले मैं तेल डालती हूँ, तेल को थोड़ा गर्म हो जाने दें। फिर इसमें इसकी लाल मिर्च, करी पत्ता, थोड़ा प्याज, इसको फ्राई करेंगे। इसे डालती हूँ मैं थोड़ा सरसों, ये सूखी लाल मिर्च, चिल्ली, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा नमक, पानी डालने के बाद इसे अच्छे से उबलने देंगे। तब तक मैं इसमें जो आटा होता है वो तैयार कर लूंगी। इसे कर देते हैं कट। फिर ये बासी चावल है, इसे बासी चावल से और चावल के आटे से बनाया जाता है। आप प्योर चावल के आटे से बना सकते हैं, पर मैं ये चावल को यूज करूंगी। इसे मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी और ये चावल का आटा, इसे दो बना लेते हैं। हमारे डो लगभग तैयार है। अब इसे शेप देते हैं मुठिया का। हाथ में थोड़ा आटा लेके इसे इस तरह का शेप देते हैं, ऐसा बनाते जाइए। जब तक हमारा पानी उबल रहा है ये तैयार हो जाएगा। फिर इसे उबलते हुए पानी में डालना है। ये लगभग बनने वाला है, फिर तैयार हो गया। उसको भी मैं उबलते पानी में, जो हमारा फ्राई पानी है उसमें डालूंगी। ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण व्यंजन है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बचे हुए चावल का भी उपयोग हो जाता है। फिर ये पूरा बन गया, चलिए इसको पानी में डालते हैं। ये मैंने पूरा डाल दिया है, अब इसे ढक्कन लगा देती हूँ और थोड़ी देर के इसको पकने देते हैं। फिर इसको खोल के देते हैं, इसका पानी का है, ये लगभग तैयार है। आप चाहे तो पानी में बना सकते हैं, ये सब बहुत टेस्टी लगता है। चलिए मैं सॉफ्ट करते हैं, इसमें पेस्ट में लेती हूँ। देखिए इसे मुझे धनिया पत्ती से थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं और चाहे तो सॉफ्ट खाना खा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सॉस डाल देती हूँ पेट में। दिखने में जितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लजीज दिख रहा है, खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, ट्राई करिए और बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।